हाय एवरीवन, दिस इज जावास तोफिक। कल तुम लोगों का नीट है, इट्स फिफ्थ में, वो दिन आ ही गया है। बात यह है कि नीट के दिन तुम्हारे साथ सीक्वेंस में क्या चीज़ें होने वाली है, मैं वो तुम्हें फटाफट बता देता हूँ, सो दैट यू डोंट पैनिक। ओके, दिस इज द ओनली मोटिव ऑफ दिस वीडियो। शॉर्ट वीडियो होने वाला है, फटाफट देख लेना इन 1.5x कुछ भी। ओके, सबसे पहले तुम अपने जो जो चीज़ें चाहिए वो सब लेके जाओगे, ठीक है? यू विल टेक द एडमिट कार्ड, उसके बाद दो पासपोर्ट साइज फोटो, और फोटो वोटो पेस्ट कर लेना, ठीक है? फोटो पेस्ट कर लेना, सिग्नेचर कर देना, एंड बस फोटो पेस्ट कर लेना, सिग्नेचर जो लिखा हुआ है वो वाला कर लेना, और जो फोटो के ऊपर सिग्नेचर करना होता है वो वहाँ जाके करना, ठीक है? इट्स बेटर। और एक ट्रांसपेरेंट वाटर बोटल लेके चले जाना, इफ़ यू नीड वाटर। वाटर तो चाहिए होगा, 3 घंटे 20 मिनट का एग्जाम है। एंड और कुछ लेके जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पेन वहाँ से मिलेगा। एंड ये वॉचेस, रिश वॉच नहीं लेके जाना, ब्रेसलेट मत लेके जाना, कोई भी मेटालिक चीज़ें मत लेके जाना। मैक्सिमम चीज़ों लड़कियों का ऑर्नामेंटल चीज़ें होते हैं, इयर रिंग्स वायरिंग्स एंड वो सब, ये सब मत लेके जाना, ठीक है? अलाउड नहीं है। या मतलब मेटल डिटेक्टर में डिटेक्ट कर लेता है, उसके बाद तुम्हें उतारना पड़ता है, या यू हैव टू गिव एक्सप्लेनेशन फॉर एवरीथिंग एंड ऑल डैट। अगर लेके भी जाओ देन मतलब तुम्हें पहले जाना होगा 12:30 को, सो डेट तुम्हारा चेकिंग हो जाए। जो ड्रेस होता है ना, जो टी शर्ट, सो इस टाइप का टी शर्ट पहनने का कोशिश करना, एकदम ही प्लेन टी शर्ट है, मतलब एकदम ही प्लेन है, ठीक है? कुछ भी नहीं है, और कोई मेटालिक मतलब ऐसा कोई मतलब शो यू कोई प्रिंट भी नहीं है, और कोई लाइक मेटालिक चीज़ भी नहीं है। एंड पैंट भी एकदम सिंपल पहनना, ठीक है? लेस नंबर ऑफ पॉकेट्स, 2 पॉकेट्स होने से तो होगा। नॉर्मल ट्राउजर्स जो होता है ना, या टेक्स शूट जो होते हैं वो पहन के चले जाना। एंड चप्पल, ठीक है? चप्पल पहन के चले जाना, या क्रॉक्स पहन के चले जाना, कोई ऐसा मतलब शू पहन के, शू तो अलाउड ही नहीं है, शू मत पहनना, सॉक्स मत पहनना। तुम वहाँ जब जाओगे, यू टेक योर अपने पेरेंट्स के साथ जाना, ठीक है? पेरेंट्स, भैया या बहन, या कोई मतलब कोई भी अगर एक तुम्हारे साथ मतलब कोई जाए, देन इट्स बेटर, बिकॉज कुछ चीज़ें तुम्हें उधर मतलब एक तुम्हें तुम तो बैग में लेकर आओगे कुछ चीज़ें, और या बुक्स लेकर आओगे, वो तो वहाँ अंदर अलाउड। तुम जब मतलब एंटर करोगे, ठीक है, जैसे कि 12:30 को अगर एंटर किए हो तुम, तो या 11:30 को भी, देन जब चेकिंग होगा, देन दे विल मतलब कुछ कुछ सेंटर्स में, देखो दिस इज इन जनरल परसेप्शन, मतलब जो होता है हर साल, ठीक है? मुझे पता है, मैंने एग्जाम दिया है, सो आई नो। कुछ कुछ सेंटर्स में स्ट्रिक्ट चेकिंग होता है, कुछ कुछ सेंटर्स में ढीला चेकिंग होता है। ओके, सो जिस सेंटर्स में स्ट्रिक्ट चेकिंग होता है उसमें एक चीज़ भी मतलब मतलब वो क्या बोलते हैं उसे, अलाउ नहीं करते, मतलब कोई भी अगर कुछ भी गाइडलाइंस के खिलाफ है तो देन दे वोंट अलाउ इट, ऑलराइट? और कुछ सेंटर्स में वो अलाउ कर देते हैं, कभी कभी फुल स्लीव्स भी अलाउ कर देते हैं। सो इट्स बेटर कि तुम सेफ होके जाओ, ठीक है? सो बाहर कुछ चीज़ तुम्हारा चेकिंग होगा, उसके बाद तुम साइन करोगे, ठीक है? दे विल टेक द साइन फ्रॉम यू, नहीं भी ले सकते हैं, डिपेंड्स। उसके बाद तुम अंदर जाओगे, ठीक है? अंदर जाने के बाद तुम जाके किसी रूम में बैठ जाओगे, मतलब जिस रूम में तुम्हारा अलॉट हुआ है तुम्हारा रोल नंबर, सो वो तुम मतलब एक टेबल लगा रहेगा, या किसी भी सर या इन्विजिलेटर से पूछ लेना कि कहाँ है तुम्हारा रूम, वो तुम्हें दिखा के दे देंगे, ऑलराइट? वहाँ पर बैठोगे, उसके बाद मतलब दूसरे रूम में जाना होगा, सो डेट एक चीज़ होता है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। सो जैसे कि आधार में भी होता है ना बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, उधर वैसे भी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगा तुम्हारा, तुम्हारे फिंगरप्रिंट का सिग्नेचर होगा, उसके बाद आई थिंक रेटिना का भी स्कैन लेता है, एंड फिर भी और फिर सिग्नेचर करना पड़ता है, फोटो लगाना होता है, और मतलब कुछ कुछ चीज़ें करनी पड़ती है, ऐसे मतलब डॉक्यूमेंट्स चेक करता है कि सही है कि नहीं तुम्हारा, जो पैन कार्ड, आधार कार्ड या कोई भी वैलिड आईडी प्रूफ लेकर जाओगे। सो ये सब चीज़ें खत्म होने के बाद तुम फिर से आके रूम में बैठोगे, देन मतलब बेस्ट होगा कि तुम साइलेंटली बैठ जाओ और किसी से बात ना करो, इट्स बेटर, बिकॉज तुम्हें कुछ दोस्त भी मिल सकते हैं, पर इट्स एन इंपॉर्टेंट डे, ऑलराइट? यू नीड टू सेव एनर्जी, यू नीड टू कभी भी मतलब डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, कभी किसी दोस्त ने कुछ और उल्टा सीधा बोल दिया, देन यू गेट डिस्ट्रैक्टेड इन द होल एग्जाम कि व्हाई दिस हैपेंड, व्हाई ऐसा कुछ। सो इट्स बेटर कि यू अवॉइड एवरीथिंग, अवॉइड फॉर दिस डे, अवॉइड एनीवन एल्स, मतलब कुछ भी अटेंशन अवॉइड करो, और बस जब तक मतलब एग्जाम मतलब पेपर हाथ में ना आए तब तक कुछ भी मत करो, ठीक है? ऑलराइट, कुछ भी मत करो, बस जितना अगर यूरिनल लगे तो टॉयलेट जाके आ जाओ, और उसके बाद वही जब एग्जाम शुरू होगा देन फुल फोकस एग्जाम देना, उसके बाद बीच में एक रहेगा तुम्हारा सिग्नेचर और फोटो वाला सेशन, तो वो भी कर लेना, ठीक है? मैक्सिमम 10 मिनट लग सकता है उसमें, सो अगर वो टाइम लग भी रहा है तो जाने दो, राइट? और OMR में गलती मत करना, यही चीज़ थी, मतलब OMR में गलती मत क्या करो, अगर OMR में गलती कर दिया देन इट्स ऑल ओवर, ओके? मतलब एक गलती करना, ठीक है? इट हैपन्स, ओके? नॉर्मली मेरा भी OMR में एक गलती हुआ था, ठीक है? एक मैंने ए फील करना था, मैंने डी फील कर दिया, मेरा आंसर गलत हो गया, पर कुछ नहीं, ये सब होता रहता है, इट्स ह्यूमन, नॉर्मल ह्यूमन एरर, ओके? एक गलती करना इज नॉट ए बिग थिंग, टू गलती करना भी नॉट ए बिग थिंग, पर
10 गलती मत करना, ठीक है? ऐसा सीरीज में गलती मत करना कि तुमने एक मतलब स्किप क्वेश्चन स्किप कर दिया और उसका मतलब OMR फिल कर दिया, उसके बाद तुम्हारा 50 क्वेश्चन एक साथ गलत हो गया। डोंट डू दैट। हाँ, तुम्हें कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिलने वाला तुम्हारे OMR शीट का, ठीक है? कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं होता है, मतलब जितना मुझे पता है, बिकॉज जो कोड रहता है ना एक क्वेश्चन बुकलेट और एक आंसर शीट का, तो वो यूनिक रहता है। एक इसके लिए कोई मतलब डुप्लीकेट बनाया नहीं जाता है, और अगर तुम जेरोक्स करके भी मतलब वो लोग दे देते तुम्हें, देन इट माइट नॉट बी वैलिड। तुम्हारा पूरे आंसर्स ऐसे तुम्हारे पूरे आंसर्स की धजिया उड़ जाएगी, बिकॉज मतलब वो OMR जो मशीन है वो शायद आंसर्स मतलब तुम्हारे क्या बोलते हैं उसे रिसीव भी ना करे। ऑल राइट, सो ये वाले मिस्टेक मत करना। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ वेरी ग्रेट डे। कल तुम्हारा दिन अच्छा ही जाएगा, अगर तुमने पढ़ा है तो तुम्हारा सिलेक्शन बिल्कुल होगा, एंड डोंट वरी अबाउट इट। बस एग्जाम जैसे कि नॉर्मल जैसे कोई भी नॉर्मल एग्जाम देते हैं वैसे ही देखे आ जाना, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लंबा एग्जाम है, वही बात है और कुछ नहीं। ऑल द बेस्ट। ऑल राइट।